भगवान एकलिंग की शपथ है, प्रताप के इस मुख से अकबर तुर्क ही कहलाएगा। मैं शरीर में प्राण रहते उसकी अधीनता स्वीकार करके कभी भी उसे बादशाह नहीं कहूंगा। जिस प्रकार सूर्य का पश्चिम में उदय होना संभव नहीं है, उसी तरह राणा प्रताप के मुख से भी अकबर के लिए बादशाह शब्द निकलना असंभव है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ भूषण वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। मेवाड़ के इस महान सपूत के साथ भले ही इतिहासकारों ने न्याय नहीं किया हो, लेकिन उनकी अमिट छवि भारतवासियों के हृदय में सदैव अंकित रहेगी। प्रताप ने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं की। उन्होंने देश धर्म और स्वाधीनता के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप का जन्म सिसोदिया वंश में 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। हालांकि उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। सूर्यवंशी महाराणा ने 1568 से 1597 ईस्वी तक मेवाड़ पर शासन किया। उनका निधन 29 जनवरी 1597 को हुआ। यूं तो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और जीते भी, लेकिन हल्दी घाटी इतिहास प्रसिद्ध वह स्थान है जहां 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच घनघोर युद्ध हुआ। कम संख्या में होने के कारण राजपूत सेना लंबे समय तक मुगलों की विशाल सेना के समक्ष टिक नहीं पाई। मगर इस युद्ध में वनवासी भीलों और राजपूतों का बलिदान सदा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। पंडित नरेंद्र मिश्र महाराणा प्रताप के शौर्य और बलिदान का बखान कुछ इस तरह करते हैं। वह अजर अमरता का गौरव, वह मानवता का विजय तूर्य, आदर्शों के दुर्गम पथ को आलोकित करता हुआ सूर्य। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है, ये वो धरती है जहां कभी चेतक की टापें गूंजी हैं। पत्थर पत्थर में जागा था विक्रमी तेज बलिदानी का, जय एकलिंग का ज्वार जगा, जागा था खड़ग भवानी का।